अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम जी वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पे रहमत रखे। पागल कर देंदी मैं पागल क्यों ना हुआ, ऐ देखो भाजी जी। तो व्यूअर्स, आज वीकेंड डे है, तो वीकेंड डे की वजह से जाना था, माल मूल कुछ लेना था मार्केट से, लेकिन जा नहीं सका। कुछ बस मसरूफियत ऐसी चलती हैं कि आज ये एक छोटे छोटे सैंपल दो बनाए हैं। एक ये बनाया, ये कॉस्मेटिक्स वगैरह लेडीज इसमें डाल के अपने पर्स में डालती हैं, और इस एक इससे ये बड़ा साइज बनाया, तो ये आज दे के आने हैं। और एक पाउच भी बनाया हुआ है हमने, ये बच्चियाँ वगैरह यूज़ करती हैं, इसमें मुख्तलिफ कलर हम बनाते हैं। इसके अंदर भी एक पॉकेट होती है, तो छोटी छोटी जो चीज़ें डालने के लिए एक पॉकेट हम इसके अंदर भी देते हैं। ये एक अंदर भी दी हुई है पॉकेट। बाहर की वजह से मौसम काफ़ी चेंज हुआ है, तो आर्डर अब ये है कि जैकेट के तो यहाँ के नहीं होते, मुख्तलिफ ये छोटी छोटी आइटमें जो है गर्मियों में ये बनती हैं, फिर जैसे जैसे कोई चीज़ ऐसी आर्डर आता है फिर वो बनाते हैं, और सर्दियों में जैकेट से ही नहीं बारी आती, इसलिए फिर जैकेट वगैरह बनाते रहते हैं। अब ये है कि पर्सों में जो है ये चार पाँच पर्स वगैरह बनेंगे, ये छोटे मोटे जो जितने थैलियाँ वगैरह बनेंगी, हज की मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, जैसे आपने देखा आज भी हज के हम बना रहे हैं। और मैंने आपको ये भी दिखाया इसमें कि जैसे हम प्रिंट करते हैं, इसी तरह हम जो बेबी बैग वगैरह हैं उनकी प्रिंटिंग करते हैं, वो भी ऐसे डाई बनी होती है और मुख्तलिफ कलरों के साथ उसके ऊपर हम प्रिंट करते हैं, जैसे कि आपने ये देखा हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये प्रिंटिंग भी जब घर में हो जाती है तो इससे भी बड़ा टाइम बचता है, एक मार्केट जाना प्रिंटिंग पर दे के आना, फिर वहाँ खर्चा खुर्चा, वो घर में बहुत खर्चा इसमें बचत हो जाती है, और असल चीज़ टाइम की है, टाइम भी बच जाता है। जैसे आज मार्केट जाना था जा नहीं सके, कल अब संडे आ जाएगा तो इंशाल्लाह अब पीर को जाऊंगा मार्केट, फिर जो सामान होता है इसका वो लाना होता है ला के, फिर इनके साथ जैसे कि जिप स्लाइडर इनके डीज वगैरह ये सारा कुछ ला के खरीद के फिर इन्हें लगाना पड़ता है। जी आज की रूटीन जो मैंने सारी आपसे शेयर की है, और मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का व्लॉग बने, ताकि आपके पास भी टाइम कीमती होता है, और व्लॉग की ये बात होती है कि जो आप व्यू करते हैं तो वो पूरा होना चाहिए, तो लंबा होगा तो फिर अक्सर दोस्त देखते नहीं टाइम की वजह से, तो ये छोटे छोटे भी लोग बनते हैं, इनमें डेली की रूटीन भी शो हो जाती है, और साथ आप देखते हैं तो पूरा आप देख भी सकते हैं, ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया भी नहीं होता। तो इसके साथ ही इजाज़त दें, एक नए व्लॉग के साथ कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।